दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे PEBC एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पे कनाडा की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन में आती हो तो आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपका फार्मेसी के बाद अब्रॉड जाने का प्लान भी नहीं है फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि बाकी कंट्रीज में चीज़ें किस तरह से चलती है इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो में ज़रूर आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल PEBC एग्जामिनेशन क्या है, क्योंकि जब तक आपको इस एग्जामिनेशन क्या है ये पता नहीं होगा तब तक आगे वीडियो देखने का कोई भी मायने नहीं बनता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि PEBC का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा। अब यहाँ पे जैसे ही कनाडा का नाम आता है तो आपको पता है कि कनाडा के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ और कनाडा के बारे में बहुत पॉजिटिव बोलता भी हूँ। अब देखो कनाडा एक फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए और फार्मास्यूटिकल जॉब के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, डेवलप कंट्री में कनाडा का नाम आता है और इस वजह से आपकी लाइफस्टाइल, आपका सब कुछ, आपकी सैलरी वगैरह सारी चीज़ें कनाडा में आपको अच्छे से मिल जाती है। यही रीज़न होता है कि इंडियन बहुत सारे लोग कनाडा में जाना चाहते हैं और कनाडा में बहुत सारे इंडियन लोग ऑलरेडी है। तो अगर आप फ्यूचर में कनाडा में जाना चाहते हो और फार्मेसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसी केस में PEBC एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एग्जाम है। जैसे इंडिया में अगर आप सोचते हो कि आपको एम फार्मेसी करना है तो जीपैट देना है, उसी तरह से अगर आप फॉरेन में कनाडा में जाना चाहते हो, कनाडा में फार्मेसी की प्रैक्टिस करना चाहते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपको PEBC एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल कि PEBC एग्जामिनेशन को हम अप्लाई कैसे करें। अब देखो यहाँ पे PEBC एग्जामिनेशन अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सी PEBC के वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उस लिंक के ऊपर जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको डायरेक्टली अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी बात, PEBC एग्जामिनेशन के फॉर्म्स कब निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे कनाडा में ये जो एग्ज़ाम्स होती है वो दो बार होती है साल में, यहाँ पे समर में एक बार होती है और विंटर में एक बार होती है। कनाडा में ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि समर के एग्ज़ाम्स अलग होती है और विंटर के एग्ज़ाम्स अलग होती है। तो ऐसी केस में आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के पीरियड में देनी है या फिर मार्च अप्रैल मई के बीच में देनी है। दूसरी बात, यहाँ पे कनाडा में अगर आप इन एग्ज़ाम को अपेयर होना चाहते हो तो उसके जो फॉर्म्स होती है वो अगर आप समर में एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर विंटर में देना चाहते हो तो उससे 2-3 महीने पहले आपको उसके फॉर्म्स निकलते हैं। तो ऐसे केस में उन फॉर्म्स की जानकारी आपको उन्हीं के वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली मिल जाएगी क्योंकि वेबसाइट के स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया कि जो भी डेटा वो इस वेबसाइट के ऊपर बता रहे हैं वो ऑफिशियल डेटा है, बाकी कौन से भी डेटा के ऊपर आपको रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है। उस वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन डेट्स और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मिल जाएगी। तीसरी बात आती है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। अब देखो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो होता है उसका वो 3 स्टेजेस में हम बोल सकते हैं। सबसे पहले स्टेज होती है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स का एवेल्यूएशन किया जाता है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके पासपोर्ट, वीज़ास, आपके रेजिडेंशियल एड्रेसेस, बहुत सारी बैकग्राउंड की जानकारी, उसी के साथ आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अगर इन चीज़ों को आप पास कर जाते हैं तो PEBC क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को आप यहाँ पे अपेयर हो सकते हो। लेकिन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से भी पहले उनकी एक एग्ज़ाम होती है जिसे हम यहाँ पे PEBC इवेल्युएटिंग एग्ज़ाम बोल सकते हैं। जब तक आप इवेल्युएटिंग एग्ज़ाम को पास नहीं होते तब तक आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को अपेयर नहीं हो सकते। इवेल्युएटिंग एग्ज़ाम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी पार्ट में आपको पास होना होता है उसके बाद आप यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को अपेयर हो पाते हैं। सेम वाइज इवेल्युएटिंग एग्ज़ाम की तरह से ही आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को अपेयर होना होता है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपको 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है MCQ और दूसरा होता है OSCE पार्ट। हालांकि ये जो पार्ट है इसके बारे में आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर डिटेल में और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अगली बात आती है कि PEBC एग्ज़ाम को अपेयर करने के लिए हमको कौन से बुक्स आप रेफ़र करने पड़ेंगे। आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे इस वीडियो के तो आपको 2-3 बुक्स के लिंक्स मिलेंगे जो कि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ट्रॉय का भी एक बुक है और ट्रॉयलर का एक बुक है और 2-3 और बुक्स है जो बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप PEBC एग्ज़ाम को अपेयर होना चाहते हो। तो ये डिटेल जानकारी है PEBC एग्ज़ाम के बारे में, MCQ वगैरह सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में हो सकता है मैं और वीडियो बनाऊँ इसके बारे में, लेकिन आपकी बेसिक जानकारी इस वीडियो के दौरान मैं देना चाहता था अगर आप PEBC एग्ज़ाम को अपेयर होना चाहते हैं। ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।